बात राजाओं महाराजाओं के जमाने की, बात राजा लक्ष्मी नारायण की है जिसे घोड़ों से खूब लगाव था। लगाव कुछ यूं था कि अपने अस्तबल को जब तक दिन में दो बार अपनी आंखों से न देख लेते तसल्ली नहीं होती, खासकर उस घोड़े को जिससे था राजा को खास लगाव, यानी कि चेतक। एक बार राजा ने किसी आरोप में दो नौजवानों को मौत की सजा सुनाई। तुम दोनों ने जो अस्तबल का नुकसान किया है तुम्हारी भूल नहीं बल्कि जघन्य अपराध है जो कतई क्षम्य नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। सैनिकों, ले जाओ दोनों को। उन दोनों में से एक ये जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है। उसने मौके को भांपते हुए राजा के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। महाराज, आप हमारी जान बख्श दे महाराज। मैं आपकी इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा महाराज। सिर्फ एक वर्ष में मैं आपकी इस घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। तरह की असंभव बात सुनकर राजा की आंखों में चमक छा गई। क्या ऐसा सचमुच संभव है? अगर ऐसा हो गया तो मैं दुनिया के पहले उड़ने वाले घोड़े की सवारी कर सकूंगा। सोचिए महाराज, आप इस घोड़े पे उड़ेंगे कितना नाम होगा महाराज आपका। और तो और, उड़ने वाले घोड़े का एकमात्र स्वामी कहलाऊंगा। लोग जय जयकार करेंगे महाराज। एक वर्ष हमारी जान बख्श दे महाराज। मैं पक्का उड़ना सिखा दूंगा महाराज। और फिर राजा ने दोनों को दंड से मुक्त कर दिया जब तक कि चेतक उड़ने ना लग जाए। इस असंभव प्रस्ताव पर दूसरे नौजवान कैदी ने अपने मित्र की ओर अविश्वास की नजर से देखा और पूछ डाला, मित्र तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता, फिर तुम इस तरह पागलपन की बातें सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कर तुम एक साल के लिए सिर्फ अपनी मौत को टाल रहे हो। मित्र, मैंने अपनी स्वतंत्रता को 4 मौके दिए हैं। वो कैसे हो सकता है? एक वर्ष के भीतर वो राजा मर जाए। दूसरी बात ये भी हो सकता है, एक वर्ष के भीतर मैं मर जाऊं। तीसरी ये भी तो संभव है मित्र, वो घोड़ा मर जाए। और चौथी, और क्या पता एक वर्ष के भीतर मैं उस घोड़े को उड़ना ही सिखा दूं। सही कह रहे हो मित्र। कुछ भी संभव है मित्र, कुछ भी संभव है। धन्य हो। जाहिर है बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना है और हर हाल में सकारात्मक रहना है। जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है।